वेलकम टू आर के बाइक मैकेनिक। आज हम स्प्लेंडर प्रो का इंजन फिट करने का दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों करते हैं फिट इंजन। ये रहा पहला हेड से स्टार्ट करते हैं। इसके हेड वॉल के जो पुतले से जो दो वॉइसर रहते हैं, पहला उन वॉइसरों को डालिए। ये देखिए दोस्तों इसका पोजीशन वॉइसर बैठने का, बहुत छोटे रहते हैं दोस्तों ये वॉइसर, बहुत पतले रहते हैं। और इसके बाद ये रहे वाल ऑयल सील, इसको थोड़ा ऑयल लगा के डालिए दोस्तों ताकि ये आसानी से बैठे। और ऑयल उस जगह पर भी लगाइए दोस्तों जहां वाल ऑयल सील बैठते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ऑयल को थोड़ा उसे लगाकर फिट करिए ताकि आसानी से वाल ऑयल सील बैठे। देखिए इस तरह से थोड़ा पुश करिए। और इसके बाद ये वाल को भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिए दोस्तों और डालिए वाल को। ये वॉइसर जो पहले मैं बता रहा था वही वॉइसर है दोस्तों, नीचे गिर गए थे। और ये रहे इसके स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग भी बिठाने का सही तरीका देखिए दोस्तों। इस तरह से स्प्रिंग को बिठाने के बाद इसके ऊपर एक जो वॉइसर आता है, ये देखिए दोस्तों स्प्रिंग का पोजीशन, ये नीचे करिए दोस्तों वो ऊपर करिए। दो स्प्रिंग आते हैं दोस्तों इसमें, एक बड़ा स्प्रिंग और एक छोटा स्प्रिंग। और इसके ऊपर एक जो लॉक बैठने का वॉइसर, और इसमें दो लॉक बिठा कर हमारे पास जो इसका वाल फ्लोर नहीं था उसीलिए हम प्लग पानर से बिठाते हैं। इस तरह से बिठाइए आसानी से बैठेगा। और बिठाकर इस तरह से चेक करिए ताकि वाल के लॉक जो टाइट बैठे हैं या लूज पता चलेगा आपको। दो बार टैप करिए दोस्तों ताकि वाल के लॉक ठीक तरीके से बैठे हैं या नहीं। और इसका ये रहा कैमशाफ्ट जो टाइमिंग के पोजीशन में रखा हूँ मैं। और इसके बाद इसके दोनों रॉकर को डालिए। पहला पूरा हेड के रॉकर और कैमशाफ्ट वाल सभी बिठाकर बाद में इंजन फिट करिए दोस्तों ताकि बिठाते वक्त जल्दी से जल्दी काम हो सके। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये रहे इसके इंजन के सभी पार्ट्स जो हमने क्लीन करके रखे हैं फिट करने के लिए। ये रहा इसका चेंबर, और ये देखिए ये रहा वॉइसर, जीबी शॉप के वॉइसर थोड़े बड़े रहते हैं, एक क्लच शाफ्ट का वाला। ये जो गियर बॉक्स का जो पोजीशन है करेक्ट बिठाइए। इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बना के छोड़ता हूँ दोस्तों। और इसके बाद एक व्हील डालिए गियर व्हील, ये नीचे सेट करिए। और इसके बाद और एक वॉइसर डालिए इस साइड। और इसके बाद इसका गियर व्हील इस तरह नीचे से नीचे की तरफ पोजीशन करके डालिए, और उस तरफ एक जीबी शाफ्ट के वॉइसर डालिए। और उसके बाद
और एक व्हील, और इसके ऊपर एक थोड़ा मोटा सा वैसा रहता है दोस्तों, वो बिठाए हैं। और इसके बाद इस क्रैंक को देखिए दोस्तों, हम क्रैंक ऑफसेट डलाए हैं इसमें, जो आप लोग क्रैंक रॉड बोलते हैं। और इसके दो नए बेरिंग भी डलवाए हैं दोस्तों। और इसका क्रैंक रॉड बराबर है या नहीं, क्रैंक सही तरीके से ऑयल सप्लाई कर रहा है या नहीं, चेक करने का तरीका देखिए दोस्तों। इस तरह से ऊपर ऑयल डालकर क्रैंक रॉड को घुमाइए दोस्तों, ताकि यहाँ से ऑयल बाहर आएगा, तब समझना ये क्रैंक अच्छे से वर्क करेगा। और इसके बाद क्रैंक को फिट करिए दोस्तों। और इसके बाद ये रहा इसका इंजन बुश, जो चेंबर में दो बुश आते हैं दोस्तों। और इसमें जो पैकिंग आता है दोस्तों, उसमें थोड़ा अनाबॉन्ड पेस्ट बल्कि मिलता है, उस पेस्ट को लगाते हुए ये देखिए दोस्तों, अनाबॉन्ड इस पेस्ट को लगाकर पैकिंग डालिए, ताकि पुराना पैकिंग निकालते वक्त थोड़े बहुत इसमें स्क्रैचेस आए रहते हैं, इसीलिए इस पेस्ट को लगाकर पैकिंग फिट करिए दोस्तों, ताकि ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। और इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बहुत अनाबॉन्ड लगाइए दोस्तों। और इसके बाद चेंबर को फिट करिए। इस तरफ लगाने के बाद ये रहा किक शाफ्ट का जो टाइमिंग, पहले से फिट कर लेकर बिठाइए दोस्तों। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, मैं बताने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद फिट करो दोस्तों। ये देखिए पूरी तरीके से फिट हो गया है, ताकि इसमें गैप नहीं आना चाहिए। और इसके बाद इसके जो 10 mm के बोल्ट है वो डालिए दोस्तों। ये रहा इसका क्रैंक व्हील, और ये रहा इसका ऑयल पंप रॉड का बुश, जो ऑयल पंप व्हील को फिराने में हेल्प करता है, और ये बुश उसको बैलेंस रखता है दोस्तों। जो कॉलर वाला बुश उस तरह का डिज़ाइन का आता है। ये रहा इसका ऑयल पंप, ये जो, और इसको ऑयल पंप को फिट करिए। और इसके 10 mm के बोल्ट डालिए दोस्तों, जो 3 बोल्ट रहते हैं, जो इसको स्पैनर 8 mm का लगता है। और इसके बाद ये जो गियर बॉक्स के दो छोटे बॉल्स ऊपर वाले, और इसके बाद दो बॉल्स होने के बाद 4 बॉल्स गियर बॉल्स आते हैं दोस्तों, मेन गियर को रोटेट करने का यही काम करते हैं दोस्तों। 4 गियर हो तो 4 बॉल्स आते हैं, 5 गियर हो तो 5 बॉल्स आते हैं। और इसके बाद गियर शाफ्ट को थोड़ा ऑयल लगाकर फिट करिए। देखिए इस तरह से थोड़ा मारिए दोस्तों। इस तरह से वर्क करता है गियर शाफ्ट। और इसके बाद इस तरह का स्टार वाइसर डालिए दोस्तों, और इसके ऊपर गियर स्टार को बिठाइए, और इसके ऊपर 10 mm का बोल्ट टाइट करिए दोस्तों, ब्लैक कलर में जो बोल्ट आता है इसका, हीरो होंडा का। और इसके बाद
एक बार गियर को सही तरीके से चेक करिए दोस्तों, और इसके बाद गियर शिफ्टर को फिट करिए जो 5 नंबर एल एंकी का पैनर लगता है, और टाइट करते वक्त थोड़ा नीचे की तरफ पुश करते रहना दोस्तों इसको, ताकि ये करेक्ट बैठे गियर शिफ्टर। देखिए दोस्तों किस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ, और इसके स्प्रिंग के पोजीशन को भी ठीक से चेक करिए। और ये फिट करने के बाद थोड़ा मीडियम से टाइट करिए दोस्तों, ताकि फुल टाइट भी नहीं करना। ये रहा इसका वॉइसर जो थोड़ा मोटा आता है दोस्तों, और इसके बाद बुश, क्लच बेल का बुश, और इसके बाद क्लच बेल को डालिए, और इसके बाद स्टार वॉइसर जो बहुत पतला आता है दोस्तों, और इसके बाद 2 कट वॉइसर आते हैं दोस्तों जो क्लच शॉप में वहाँ पर सही तरीके से फिट होते हैं दोस्तों, और इसका कलर वॉइसर, और एक बार अपनी तरफ खींचिए दोस्तों क्लच बेल को, ताकि वो वॉइसर और बुश करेक्ट बैठे हैं या नहीं चेक करने के लिए। और ये क्लच प्लेट, इसमें 4 क्लच प्लेट आते हैं दोस्तों, 3 प्रेशर प्लेट आते हैं, एक के बाद एक फिट करते रहना दोस्तों, और इसको थोड़ा ऑयल डालिए ताकि सही से वर्क करें। थोड़ा ऑयल डालने के बाद थोड़ा घुमाइए, और इसके बाद घुमाते हुए अंदर की तरफ ढकेलना है इसको, ताकि ये अपने पोजीशन में सही से बैठे। और इसके बाद एक वॉइसर और एक नट, और इसको टाइट करिए, ये देखिए टाइट करने का तरीका जो इस तरह से टाइट होता है नॉर्मली सभी नट बोल्ट की तरह। और इसके बाद 4 स्प्रिंग को डालिए इसके ऊपर, इस तरह का प्लेट डालकर इसे 10 mm का बोल्ट डालिए जो 4 बोल्ट रहते हैं इसके। इसको टाइट करते वक्त अपनी तरफ खींचिए दोस्तों, इस तरह से खींच के टाइट करिए, ताकि क्लच सेंटर और क्लच हब सही तरीके से बैठे, नहीं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा दोस्तों, और गियर डालने के बाद गाड़ी जंप होने का चांसेस रहता है सही तरीके से नहीं बैठे तो। इसको अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ा बोल्ट टाइट करिए दोस्तों, जब स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तब उसको छोड़कर आराम से टाइट करिए। ये मैं फुल टाइट करने के लिए इस तरह से पैनर लगाया हूँ दोस्तों। और इसके बाद ये देखिए हो गए टाइट, ये क्लच कटोरी को बिठाइए दोस्तों, इसे भी 10 mm के बोल्ट आते हैं जो 8 नंबर का स्पैनर लगता है, ये हो गया टाइट। और इसके बाद ये लगाइए ऑयल बोल्ट का फिल्टर जो छन्नी के टाइप रहता है, ये रहा क्लच बेल, ये सॉरी क्रैंक बेल, और इसका ये वॉइसर और नट जो बड़ा वाला आता है, छोटा वाला जो क्लच बेल में आता है, यहाँ पर इस तरह से पैनर लगाकर टाइट करिए, ताकि टाइट करने में आपको परेशानी नहीं होगी। और ये रहे इसके रोटेटर प्लेट के 4 स्क्रू,
इसको रोटेटर प्लेट भी कहते हैं और क्रैंक बेल प्लेट भी कहते हैं। इस स्क्रू को थोड़ा कस के टाइट करना दोस्तों, ताकि ये लूज होने पर बहुत प्रॉब्लम होगा। ये रहा ऑयल नट जो हम इसको अनावॉन्ड लगा के टाइट कर रहे हैं, और इसको भी थोड़ा अनावॉन्ड पेस्ट लगा के पैकिंग डालते हैं दोस्तों, ताकि लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये रहा इसका क्लच बुश, जो क्लच वर्क करने के बाद क्लच प्लेट को पुश करता है। थोड़ा ग्रीस लगा के डालिए दोस्तों, ताकि कवर डालते वक्त वो नहीं गिरेगा। और इस तरह से चेक करते हुए डालिए, क्लच को वर्क करने के बाद कवर ऊपर की तरफ आना चाहिए, ताकि क्लच हमारा बुश और बेल के लिए करेक्ट बैठा बोल के समझना दोस्तों। और ये रहा कि कॉइल सील जो हम कवर बिठाने के बाद डालते हैं, थोड़ा टैप करना दोस्तों इसको, और इसके बाद ये रहा पिस्टन, ये रहा फर्स्ट रिंग जो इनसाइड करना दोस्तों, ऑयल पंप रिंग भी इनसाइड करना। और ऑयल पंप रिंग का जो पोजीशन आता है, एम शेप रखना दोस्तों, डब्ल्यू शेप नहीं रखना, एम शेप। और ये रहा टॉप टू रिंग जो साइलेंसर की तरफ बराबर सेंटर में रखना दोस्तों, आउटपुट साइड बाहर की तरफ सेंटर में दोस्तों, और वो इनसाइड ये आउटसाइड दोस्तों। देखिए पिस्टन को गलत बांधने से गाड़ी एक तरह क्रैंक का साउंड जैसा साउंड आता है दोस्तों, 30 या 40 रेस देने के बाद क्रैंक का साउंड जैसा आता ना दोस्तों, वैसा साउंड आएगा पिस्टन गलत बहे तो। और ये रहा पैकिंग और इसका वोरिंग, थोड़ा बोर किट को ऑयल लगा के फिट करते हैं। ये हम बोर किट ओरिजिनल मंगाई है दोस्तों शोरूम से, हीरो का जेन्युइन पार्ट्स है ये। ऑयल इसलिए लगाना दोस्तों ताकि रिंग बैठते वक्त स्लिप होके आराम से अंदर बैठे, ताकि नहीं तो टाइट से बैठे तो रिंग कट होने के पोजीशन चांसेस रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत इस तरह से शेक करते हुए बिठाइए, ये हो गया फिट बोर किट। और इसके बाद यहाँ 5 नंबर एलएनकी का बोल्ट लगाइए दोस्तों, इस तरह का। फुल टाइट नहीं करना दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइट आने तक टाइट करिए दोस्तों, फुल नहीं टाइट करना, फुल बाद में टाइट करना दोस्तों इसको। ये रहे इसके दो बुश, हेड बुश बोलते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से बिठाइए। और इसके बाद टाइमिंग चेन को डालिए, टाइमिंग चेन को पकड़ने के लिए हम एक छोटा सा वायर का मदद लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक रबर व्हील डालते हैं दोस्तों, टाइमिंग चेन को प्याड की तरह, टाइमिंग चेन का प्याड जो बड़े गाड़ी में आते हैं ना दोस्तों, उस तरह का काम करता है ये। इसका 10 mm का बोल्ट। और इसके बाद पैकिंग को डालिए, जो प्रो वाले बाइक में इस तरह का पैकिंग, ब्लैक कलर का पैकिंग आता है दोस्तों, इसमें हेड पैकिंग में कौन सा भी ओरिंग नहीं आता दोस्तों, रबर वाला ओरिंग नहीं आता, जो बोर किट में अब डालते वक्त आया था इसमें नहीं आता दोस्तों, पुराने वाले में आता था, उसमें कॉलर बुश और एक बेंजो वेसल टाइप
वही सर, और उसमें एक रबर आता था दोस्तों, वो रिंग इसमें नहीं आता, और इसमें इस तरह का आता है दोस्तों। ये रहा हमारा हेड फिट कर रहे हैं, ये हो गया दोस्तों हेड फिटिंग। और इसको भी 5 नंबर का एलेंकी बोल्ट रहता है दोस्तों, जो 10 mm का थ्रेड होता है इसमें। और इसको भी थोड़ा टाइट करिए दोस्तों, ताकि फुल ना टाइट करे। ये रहा दोस्तों एग्जिट पॉइंट जो रहता है वो नीचे की तरफ करिए दोस्तों। और इसके बाद इसके चार वेसर, 4 नट रहते हैं, जो इसके वेसर थोड़ा मोटे रहते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में टाइट करते रहना दोस्तों, इस तरह से सिर्फ अपोजिट से टाइट करते रहना, एक ही तरफ फुल टाइट नहीं करना। ऐसा करने से ये बोल्ट कट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इसको ये रहा टेंशनर व्हील बोलते हैं इसको हमारे साइड। और इसका ये प्लेट और इसके 2 स्क्रू बैठने वाले पोजीशन, उसमें 2 ओरिंग को डालिए ताकि ऑयल लीकेज स्क्रू में से ना हो। और ये रहे 10 mm के स्क्रू जो टाइमिंग चेन के प्लेट के सामने रहते हैं। और ये रहा इसका ऑयल सील, अब डालते हैं। देखिए दोस्तों इसको कस के टाइट करना ताकि ऑयल लीकेज ना हो। ये रहा इसका ऑयल सील। और ये रहा इसका स्टार्टर। इस स्टार्टर में 3 बोल्ट आते हैं, ये पहला बोल्ट अर्थिंग को जाता, ये रहा दूसरा, और वो रहा तीसरा। ये रहा दोस्तों इस तरह से फिट करना है इसको, इसीलिए स्टार्टर को पहला बिठाया हमने। और ये रहे चेन के जो स्पॉकेट रहता है, वो स्पॉकेट बाहर न आने के लिए इस तरह का पट्टी आता है। और ये चेन को गाइड करते हैं, ये जो फाइबर के पैड दिख रहे हैं स्टार्टर चेन को गाइड करते हैं दोस्तों ये। और इसके बाद ये इसका एक लॉक आता है, और इसका ये रहा मैग्नेट। जो हमने टाइमिंग के पोजीशन में रखा है ये देखिए, इस तरह से टी के बाजू वाला मार्क, और यहाँ पर इस तरह का मार्क, दोनों आपस में मिलना दोस्तों। देखिए ये हो गया हमारा इंजन फिटिंग। ये रहा स्क्रीनशॉट जो टाइमिंग का पोजीशन दिखाता है।